सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यू ही तमाम होती है। इस तमाम होती जिंदगी के बारे में बहुतों ने न जाने क्या क्या कल्पनाएं की हैं। सामान्यतया लोग विवाह अपनी जाति, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवारों में माँ बाप की सहमति से करते हैं। लेकिन जब कुछ लोग इसके विपरीत अपनी इच्छा से प्रेम के वश में कहीं और या अपनी जाति धर्म के विरुद्ध अलग परिवार में शादी कर लेते हैं तो इसे प्रेम विवाह कह लेते हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण खुद की ही नहीं पर दूसरों की भी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। मेरी जिंदगी की कहानी कुछ अलग ही है। पता नहीं, वैसे तो मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन सबको पता होने के बाद भी सामने खाई है, गिरेंगे तो मरेंगे, फिर भी उसी खाई में मुझे धकेला जा रहा था। हमारे घर की माली हालत पड़ोस से तो क्या किसी रिश्तेदार से भी छिपी नहीं थी। मैंने बचपन से ही गरीबी देखी थी, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी दीदी की शादी में पापा और मम्मी ने अपने हैसियत से बढ़कर कहीं ज्यादा दीदी को दिया था। दीदी भी बहुत खुश थी अपनी शादी से। लेकिन शादी के साल डेढ़ साल बाद जब दीदी को बच्चा नहीं हुआ तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया था। बिना बच्चे के घर में रहना मतलब दीदी के ससुराल वाले नर्क में रहने जैसा मानते थे। पापा और माँ ने कई बार जीजा जी को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन सब व्यर्थ। मैं सुवर्णा, सुवर्णा मनोहर राव सात देवे, उस्मानाबाद, नया नाम धारशिव, महाराष्ट्र की हूँ। मेरे नाम जैसा मेरा रंग भी गोरा और सुनहरा है, इसलिए बचपन से ही लोग मुझे भूरी भूरी कहकर ही बुलाया करते थे। दीदी का रंग थोड़ा हल्का सांवला था, वो काफी शांत और शालीन थी और मैं बिल्कुल जिद्दी और ढीठ। दीदी अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोपहर तक स्कूल, कॉलेज, फिर दोपहर से रात तक घर में बैठी ही सिलाई मशीन पर कुछ ना कुछ काम कर लेती थी और जो पैसा इकट्ठा कर लेती थी उसी से मैं अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा चला लेती थी। हम दोनों बहनें युवा अवस्था की दहलीज पर ही थे। दीदी की शादी की चर्चा अक्सर घर में होती थी। कई मेहमानों का आना जाना घर में लगातार हो रहा था। जब भी कोई दीदी को देखने आता तो मुझे आजू बाजू वाले के घर में भेज दिया जाता था कि किसी देखने वाले की नजर मुझ पर ना पड़ जाए और दीदी की जगह मेरा ही हाथ ना मांगने लगे। मेरी आई और दादा यही सोचते थे कि एक बार बड़ी की शादी हो जाए तो सर पर का बोझ खाली हो जाएगा, फिर छोटी वाली को तो आराम से कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। वे हमारे सामने भी यही बात कह देते थे। पता नहीं मेरे आई दादा की ये कैसी सोच थी। ठीक है, परिस्थितियां खराब है, गरीबी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोगों में कोई कमी है। इसी बीच दीदी की शादी तय हो गई। दीदी की शादी में पापा और मम्मी ने अपनी हैसियत से भी बढ़कर कहीं ज्यादा दीदी को दिया था। दीदी भी अपनी शादी से बहुत खुश थी। मैं अपनी बहन की शादी में लाल रंग के सलवार सूट में काफी दमक रही थी, खूब नाची थी। लेकिन दीदी की शादी को एक डेढ़ साल ही हुआ होगा तभी ससुराल वालों की नाराजगी की खबरें आने लगी। सब लोग परेशान हो गए थे। वजह का पता चला तो समझ आया कि कितने मूर्ख लोग हैं ये। दीदी को बच्चा नहीं हो रहा था तो अब इसमें दीदी का क्या दोष है? दोष तो उस आदमी में है। मैंने अपने आई और दादा को भी समझाने की खूब कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें दीदी का जरा भी दोष नहीं है। एक बार जीजा को भी तो डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना चाहिए। लेकिन मुझे चुप करा दिया जाने लगा। दीदी को बच्चा नहीं हो रहा था तो उनके ससुराल वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। बिना बच्चे के घर में रहना मतलब दीदी के ससुराल वाले नरक में रहने जैसा मानते थे। एक बार नहीं, पापा और माँ ने कई बार जीजा जी को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग जो चाह रहे थे वो सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे। जीजा जी एक दिन हमारे घर आए और मेरी तरफ देखते हुए मेरे दादा को कहने लगे कि आप लोग अपनी छोटी बेटी का विवाह मेरे साथ करवा दीजिए, तभी आपकी बड़ी बेटी को मैं अपने पास रखूंगा, वरना नहीं। सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जाकर उसे दो झापड़ दूं, होश ठिकाने आ जाए।
लेकिन दादाजी ने कमरे के अंदर जाने के लिए कह दिया था और मैं खून का घूंट पीकर रह गई। आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है? और मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? और मैं तो अपनी बहन का घर उजाड़ने के लिए सोच भी नहीं सकती थी। अपनी बहन की शादी को खतरे में देखकर मेरा दिल भी दुख रहा था। इच्छा हो रही थी कि अपनी शक्ल को आग लगा दूं। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने साफ साफ मना कर दिया कि चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन किसी ने मेरे दिल की बात नहीं समझी। दादाजी और माँ ने भी पहले तो मेरी खूब पिटाई की, फिर बाद में वो दीदी को भी समझाने लगे वो इस रिश्ते के लिए सहमति दे दे ताकि एक ही घर में दोनों बहनें सुख चैन से रह ले और अपना खर्चा भी बच जाए। लेकिन उनको ये कौन और कैसे समझाए कि जीजा जी फोकट में मुझसे शादी जो करना चाह रहा है। शायद माँ और दादाजी ने मेरी शादी का दिन भी पक्का कर दिया था। ऐसे में मैं भला क्या कर सकती, आप ही बताएं। मैं राज को पहले से जानती थी। मैं उसके दुकान से कपड़ा लाकर सिलती थी। मैंने राज से जब ये बातें कही तो उसने मुझे घर से भाग जाने को कहा। शादी करने का विचार तो नहीं था मेरा, लेकिन जो कुछ होने वाला था वो मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए एक रात मैंने घर छोड़ दिया और राज ने मेरे लिए एक रूम का इंतजाम कर दिया। लेकिन मेरा मन अब भी घर पर टंगा रहता था। कुछ दिनों तक मैंने अपने घर वालों का इंतजार किया था। शायद वो आ जाते तो मैं अपने जीजा से शादी न करने की शर्त पर उनके साथ वापस भी जा सकती थी। लेकिन वो तो मुझे भूल ही गए थे। दादाजी और माँ ने कभी मुझे अपनेपन से ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। एक बार मेरी सहेली की माँ मेरी माँ से कह रही थी, जीजी हम रोज कमाने वाले लोग हैं, अब सुवर्णा को कैसे ढूंढे? पुलिस के पास जाएंगे तो वहां भी पैसा ही लगेगा। हम ये ही मान लेते हैं कि वो हमारी बेटी ही नहीं थी, एक ही बेटी से अब खुश रह लेंगे, फिर क्या? समय पंख लगाकर उड़ता रहा। राज ने मुझे घर से भागने में मदद की थी। बाद में हम दोनों साथ रहने लगे। राज की भी बीबी शादी के साल भर बाद ही बेटे को जन्म देते हुए गुजर गई थी। बेटा देवांश की परवरिश राज अकेले कर रहा था। अब देवांश ने मुझे ही अपनी मम्मी समझ लिया था और फिर कुछ दिन बाद हमने शादी कर ली। शुरुआत में तो मुझे घर की काफी याद आती थी। कई बार फोन भी किया लेकिन वो लोग आवाज सुनकर ही फोन काट देते थे। एक बार पता लगाया तो पता चला कि दीदी को भी बच्चा हो गया है। जीजा जी ने अपना इलाज करवाया। बच्चा होने पर दीदी का पूरा घर अब शांत हो गया है। दीदी के ससुराल वाले भी अब खुश हैं। लेकिन अब मेरे मन में घर वालों के प्रति बड़ी घृणा हो गई है। मैं उन लोगों को अब देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि जीजा तो अपने स्वार्थ के लिए मुझे उपयोग करना चाहता था। लेकिन मेरे अपनों ने भी मुझे उस वक्त अपना नहीं समझा था। उस वक्त को मैं याद करके कांप जाती हूँ। अब तो मैं भी राज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राज ने कभी मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी, वो तो घर वालों ने की थी। शायद यही वजह है कि मैं राज की ओर खिंचती चली गई। मैं अच्छे से जानती हूँ भागी हुई लड़की समाज का कलंक होती है, लेकिन मैं तो खुद को कलंक से बचाने के लिए भागी थी। अब आप ही बताओ, ज्यादा इज्जत का काम क्या है, बहन का बसा हुआ घर तोड़ना या किसी का उजड़ा हुआ घर बचाना? इसलिए मैं अपने निर्णय पर खुश हूँ कि मेरा भागना व्यर्थ नहीं गया।